जी दोस्तों कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे तो अभी आपने जैसा प्रीव्यू देखा है कुछ इस टाइप का वीडियो स्टेटस आपने किस तरह से क्रिएट करना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपने सबसे पहले अपनी कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है स्टॉक वीडियोस की आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ से आपने सेंटर वाला ब्लैक कलर का एक वाल पेपर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे से आपने इसको ऐड कर देना है अब नीचे से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी रेशो की आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ से आपने नाइन इंटू सिक्सटीन वाला जो फ्रेम है उसको आपने सेलेक्ट कर देना है इसको आपने नीचे से डन कर देना है इसको आपने सेलेक्ट करना है वाल पेपर को और इसको आपने ऐसे ड्रैग करके टू फिंगर से पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है ठीक है इसके आखिर में एक लोगो आ रहा है आपने इसको सेलेक्ट करके नीचे से डिलीट कर देना है और इसको दोबारा सेलेक्ट करके इसकी ड्यूरेशन आपने उतनी रख लेनी है जितना आपने स्टेटस बनाना है ठीक है तो इतना हमारा काम हो चुका है इसके बाद नीचे से ओवरले की एक ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ से एड ओवरले पे जाना है और यहाँ से आपने एक बैकग्राउंड को जो हमारा बैकग्राउंड पी है उसको आपने यहाँ पर ऐड कर देना है अब इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको टू फिंगर से आपने ऐसे एडजस्ट करना है पूरी स्क्रीन पर ठीक है ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरी स्क्रीन पर एडजस्ट हो चुका है इसके बाद आपने इसको भी लास्ट तक ले जाना है जितनी आपने उसकी ड्यूरेशन रखी है इसकी भी उतनी ही रख लेनी है तो इसके बाद आपने नीचे से ड्रैग करना है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कट आउट की आपने इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर अब आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी क्रोमा की की आपने इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद ये जो सर्कल है आपने इसको ग्रीन कलर पे रखना है नीचे से इंटेंसिटी की ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आप फुल कर देना है इसके बाद शेडो एफ शेडो आपने बस इतना रख लेना है। इतना करने के बाद आपने नीचे सेफ दोबारा सेफ एड ओवर से ले पर जाना है और यहाँ पर आपने अपनी गैलरी से कोई एक फ़ोटो को ऐड कर देना है फोटो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी लेयर की आपने लेयर पे क्लिक करना है और इसको आपने नंबर वन पे कर देना है ठीक है इसको आपने ऐसे घुमा के थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना है इस तरह से आपने इसको एडजस्ट कर देना है नीचे से आपने डन कर देना है इसकी भी आपने ड्यूरेशन उतनी ही रख लेनी है जितना आपने स्टेटस रखा हुआ है ठीक है सब जो भी चीज़ें आपने ऐड करनी है सेम ड्यूरेशन आपने सबकी रख लेनी है अच्छा इतना हमारा यहाँ पर काम हो गया इसको आपने यहाँ पर क्या करना है इसको सेलेक्ट करना है ठीक है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है ये प्ले के साथ ये सेंटर में आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना है इस पर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐसे लेफ्ट साइड पर मूव करना है इसके बाद आपने थोड़ा सा आगे तरफ आ, आ जाना है फिर से आपने इस पर क्लिक करना है और इसको आपने इस बार राइट right साइड पे इस तरह से ड्रैग करना है इसी तरह ही आपने दोबारा से आगे आ जाना है ठीक है इस पर दोबारा से क्लिक करना है और आपने इसको अब इस साइट पे ड्रैग करना है ठीक है तो ये जो हमारी जो फ़ोटो मूविंग वाली जो है अफेक्ट वो इसके अंदर ये देखें ऐड हो चुका है अब आपने क्या करना है आपने दोबारा से अब ऐड ओवर पे जाना है फ़ोटो पे जाना है और यहाँ पर आपने इस तरह का ये एक शेडो पी एन जी ऐड कर देना है इसको आपने इस तरह से नीचे से साइड पे इस तरह से एडजस्ट करना है बस इतना ठीक है और इसकी भी आपने ड्यूरेशन सेम रख लेनी है मैं आपको हर चीज़ साथ के साथ बताता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ में मसला ना आए तो इतना हमारा हो गया है इसके बाद दोबारा से आपने ऐड ओवर पर जाना है वीडियो पर जाना है और इस बार आपने यहाँ पर एक लिरिक्स वीडियो को ऐड कर देना है इसको ऐड करने के बाद नीचे से ब्लेंडिंग वाले मोड पे जाना है और इसको आपने यहाँ सेफ लाइटिन वाली ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसको आपने ऐसे यहाँ पर नीचेली साइड पर एडजस्ट कर देना है इतना काम कम्प्लीट होने के बाद दोबारा से आपने ऐड ओवर ले पर जाना है और इस बार आपने यहाँ पर एक पार्टिकल वीडियो को ऐड करना है इसको ऐड करने के बाद इसको भी आपने टू फिंगर से ऐसे पूरा कर लेना है इसको ब्लेंडिंग वाले मोड पे जाके इसको आपने लाइटिन पे रख देना है ठीक है इसका भी काम हो गया इसके बाद आपने क्या करना है दोबारा से आपने ऐड ओवर ले पर जाना है आपने वीडियो वाली ऑप्शन पर जाना है ठीक है और आपने इस बार यहाँ पर एक और टेम्पलेट को ऐड कर देना है इसको भी आपने ऐड करने के बाद यहाँ से नीचे से ब्लेंडिंग वाले मोड पर जाना है और इसको आपने यहाँ से लाइटिंग पर कर देना है ठीक है तो भी आप देख सकते हैं जो हमारा स्टेटस है वो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है इसको सेव करने के लिए आपने ऊपर से 720 ट्वेंटी की जगह इसको 1080 कर लेना है यहाँ से इसको फुल कर लेना है यहाँ से भी इसको फुल कर करके ऊपर से आरोप निशान पे क्लिक कर देना है यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ तो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी